नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सत्यादि शर्मा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय महाकाल। आज का हमारा चैप्टर इंग्लिश अल्फाबेट में हमें प्रैक्टिस करनी है। सर आपके आते ही मेरे यहाँ लाइट चली गई। बिल्कुल जो है दादा, लाइट तो जाएगी ही, आ भी जाएगी, चिंता ना करें। चलिए नेक्स्ट। जल्दी से आते जाइए फटाफट से। सबसे पहला काम लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हम शुरू करें अपनी आज की कार्रवाई। और आज की कार्रवाई में हमें अंग्रेजी वर्णमाला के उन चैप्टरों को लगाना है। हाँ, नया टॉपिक स्टार्ट है निक्की एनर्जी। खर खर की आवाज़ आ रही है भाई साहब, ये खर खर की आवाज़ आ रही है, तो देख लो। अब आ गए क्या? कितने सवाल हो गए, अभी शुरू भी नहीं किया है। जी सभी लोग आ गए। चलिए नेक्स्ट। पहला सवाल ये आपके सामने पेश किया गया है, जिसमें लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से तेरहवें के दाएं सातवां है। आप जरा देखिएगा फटाफट, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले कौन उत्तर देगा? सबसे पहला उत्तर, ये बंद हो गई, सबसे पहला उत्तर कौन देगा? देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देगा। चलिए पहला दे रहे हैं सरिता सिसोदिया जी। गलत है या सही, देखते हैं। यहां पर कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से तेरहवें के दाएं। तो बाएं से मतलब होता है इधर से, यानी कि आपके बाएं से, आपका बायां हाथ ये होता है तो इधर से चलना है, और जब दाएं से बोला जाता है तो आपको इधर से चलना है। तो आपके बाएं से तेरहवें के दाएं सातवां, तो बाएं से तेरहवां कौन हुआ? बाएं से तेरहवां गिनोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरहवां, तेरहवां कौन हुआ? एम। और एम के कहाँ जाना है? दाएं। दायां मतलब अपने दाएं, कभी भी अक्षरों का दायां नहीं होता, हमें हमेशा अपने दाएं चलना होता है। तो दाएं सातवां इधर चलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कौन आया? टी। तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे? बी। खत्म। क्लियर है? जल्दी बता दीजिए क्लियर है। डी वाले गलत हैं, पहला जवाब जिन्होंने दिया गलत है, सरिता सिसोदिया जी। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले कौन देगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारहवें अक्षर के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल ट्रिक से ही आप कर रहे हैं, ट्रिकी से अच्छा है आप गिन भी सकते हैं, ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे यहां बायां और दायां अभी बता देंगे आपको, पहले इसका जवाब दीजिए। अभिषेक सेठ ए बोल रहे हैं, सबसे पहले जवाब देने वाले अभिषेक सेठ, ए है। देख लेते हैं क्या ऑप्शन ए है या उत्तर ए है, समझते हैं इनका। आइए देखिएगा, यहां पर सभी लोगों का जवाब बेधड़क होकर आ रहा है। बाएं से मतलब मुझे कहां से चलना पड़ेगा? इधर से। तो इधर से बारवा कौन हो गया? एल। और एल के कहां जाना है? दाएं, मतलब आगे। कितने अक्षर? आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ नहीं जाना, आठ ही जाना है। तो आठवां कौन है? टी। तो ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए वेरी गुड। अब यहां पर देखिए आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, जैसे इनका कहना है तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपके पास बाएं
और दाएं दो हाथ का जिक्र हो तो आप प्लस कर देना, और जब भी आपके पास सिंगल हाथ का जिक्र है यानी बाएं और बाएं तो आप क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। लेकिन यदि पहला अक्षर दाएं है और फिर बाएं लिखा हुआ है वर्णमाला में तो आप प्लस कर देना, और बाद में उसे 27 माइनस में से फिर घटा के निकाल पाओगे। उसके लिए आपको नंबर याद होने चाहिए, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर तो दाएं और यहाँ पर कौन आ जाएगा, दाएं, तो दाएं दाएं यानी कि आपका क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस करने के बाद वापस इसे 27 में से माइनस करना पड़ेगा। ये ट्रिक है इनकी, लेकिन ट्रिक से अच्छा है कि आप उन्हें गिनकर भी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम गिनने की कोशिश नहीं करते, नहीं। 12 में तुम अपने आप को काउंट क्यों नहीं करोगे, तुम ही तो वहां से आए हो दादा, 12वें पे तुम बैठे हो, अब तुम अपने दाएं जा रहे हो, अब आगे जा रहे हो, वहां से तो तुम ही आए हुए हो, बाएं से तो आप ही आकर बैठे हुए हो। बोलिए मोना पटेल, आपका क्या डाउट है, जो भी डाउट है लिख के भेजिए, है ना। ऐसे लिखने से थोड़ी काम चलेगा, सर आई हैव डाउट, भाई जो डाउट है वो भी तो लिखो, तभी तो समझ में आएगा। बिल्कुल काउंटिंग पूरी करनी पड़ेगी, कैसे भी कर लो घुमा फिरा कर। ओके विजय बिछवा जी खुश रहें। चलिए नेक्स्ट पर आ जाएं। लिख लिया, ये जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट फटाफट से जवाब दें। आवाज खड़खड़ कर रही है, बंद करके चालू कर ली। अब भी आ रही है क्या? चलिए बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं आप लोग। एक नंबर, आपने कहा कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब दाएं से आप चाहें तो 18 में से 10 गया, आप ये भी कर सकते हैं 18 माइनस 10 8, और इसको फिर 27 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19, और आप सीधा सीधा क्या लगा देंगे S, ठीक है। लेकिन आपको गिन लें तो भी ठीक है, दाएं छोर से 18वां, अब दाएं छोर से यदि हमें 18वां देखना है तो हम बिल्कुल देख सकते हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पर कौन है, आई, आई के कहाँ जाना है, दाएं, मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन आया, एस, तो उत्तर में क्या लगा दोगे, एस। सिंपल सा काम है, ठीक है ना, बात खत्म, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बता दीजिए कमेंट में फटाफट से, और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए, बार बार लाइक के लिए ना बुलवाएं। चलिए नेक्स्ट, दोनों में एक ही तरफ कैसे चलें, कैसे चलोगे भाई, बिल्कुल संदीप चौधरी जी आपका नाम ले देंगे हम, आप अपने नाम की चिंता ना करें। जल्दी से उत्तर दीजिए, भरत चौहान जी आदिवासी जी तीन कह रहे हैं, देख लेते हैं, और बाकी उत्तर में पहला जो है प्रज्ञा का बी दिख रहा है, पूजा सिंह का बी है, आइए देख लेते हैं भाई किसका जवाब सही है। अब जरा देखिएगा यहाँ,
आपको बोला गया उस अक्षर को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो हम किसे नहीं बना सकते? तो देखिए, पेन तो बन सकता है, इसमें पी भी है, ई भी है, एन भी है, पेन तो बन सकता, तो ये गलत है। ये कैसा है? गलत। हमें ढूंढना है जो नहीं बन सकता। टैप, टी है, ए कहाँ है? ए है क्या पूरे उसमें? तो टैप नहीं बनाया जा सकता। स्टॉप, एस टी ओ पी सब है, इसे बना सकते, इसलिए ये गलत है। डोंट, डी ओ एन टी, डोंट भी बना सकते, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब। बस इस तरीके से देखना है। चलिए नेक्स्ट, बात खत्म। ऑर्गेनाइजेशन के अक्षरों से किसे नहीं बनाया जा सकता? इस बार जवाब दीजिएगा, देखते हैं कौन सही है। हाँ जी, बी की जगह आप ऐसा लिख दिया करें स्टेशन, गेन, नेशन, रेशन, तो भाई नाम लेना जरा आसान हो जाता है फर्स्ट वाले व्यक्ति का। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा। हाँ, हम हट जाते हैं। ए, ए ऑप्शन वाले आए हैं लगातार, नाम नहीं देख पाया पहले व्यक्ति का। चलिए, जो भी पहले व्यक्ति हैं बहुत ही शानदार। ए, आइए लाइक कर दीजिए। भाई साहब लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। यहाँ देखिए, ऑर्गेनाइजेशन शब्द से नहीं बनाया जा सकता, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्टेशन, स्टेशन को बना सकते हो क्या? हाँ जी, स्टेशन को बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, एस टी ए, दूसरा टी कहाँ है स्टेशन जो बनेगा? दूसरा टी कहाँ है? स्टेशन नहीं बना सकते, यही सही है। गेन, गेन बना सकते हो, जी ए आई एन, गेन बना सकते हैं, ये गलत हो गया। नेशन, हाँ, एन ए टी आई ओ एन, ये भी बन सकता है, गलत। रेशन, आर ए टी आई ओ एन, ये भी बन सकता है, ये भी गलत। सिर्फ क्या नहीं बन सकता? स्टेशन, क्यों? डबल टी है उसमें। क्लियर है? चलिए, जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन से किसे नहीं बनाया जा सकता, बताइएगा। मोना पटेल जी डाउट भेजेंगे तब तो सॉल्व हो, डाउट भेज नहीं रहे हो। सर डाउट बताओ, डाउट बताओ। मैं क्या यहां पर आपको कोई भगवान नजर आ रहा हूं क्या? सी राहुल अहिरबार, चलिए बेहतरीन, सी उत्तर मार रहे हैं, सी जवाब है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का जवाब सी है, अति सुंदर, सी वाले। चलिए देखिएगा, सी दादा खत्म। देखिए रिकमेंडेशन आपको इससे ढूंढना है जो नहीं बन सकते। नेशन, N A T I O N, नेशन बन सकता है। कॉमन, C O डबल M O, दूसरा भी है, N भी है, कॉमन भी बन सकता है। नेशन, नेशन भी बन जाएगा, N A T I O N, ये भी बन सकता है। लेकिन स्टोन, इसलिए ये बन सकते हैं, ये सब गलत है। स्टोन S ही नहीं है, S ही नहीं है, ये नहीं बन सकता, यही हमारा उत्तर होगा C। क्लियर है? मुरली मनोहर जी आप कोई सी भी किताब ले सकते हैं, दीपक कुमार ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए घर पर, अरिहंत ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से अगला बोलिएगा।
नेक्स्ट कीजिएगा फटाफट से। हार्टलेस, सी आकाश शर्मा, बता तो दिया भाई साहब, दीपक कुमार भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हार्टलेस कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, इस बार पूछा है सकता है। सेफ एस ए एफ ही नहीं है इसमें, इसे तो नहीं बना सकते। हील एच ई ए एल, हील बना सकते। राइट आर आई नहीं है, इसे भी नहीं बना सकते। साइट आई नहीं है, इसलिए इसे भी नहीं बना सकते। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे हील, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हीट नहीं है, वो हील है। डी कैसे हो सकता, आई ही नहीं है उसमें, तो कहां से बना देगा डी, ठीक है ना। आप कहां से डी बना दोगे। चलिए नेक्स्ट, यूनिडेंटिफाइड बताइए। यूनिडेंटिफाइड से किसे बना सकते हैं, जवाब दीजिए। चलिए देखिएगा, यूनिडेंटिफाइड किसे बनाया जा सकता है। यूनाइटेड को बना सकते हो क्या, यू एन आई टी ई डी, यूनाइटेड बन सकता है, ठीक है। तो यही तो ढूंढना है जो बनाया जा सकता है, यही है। लिमिट, लिमिट को क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एल ही नहीं है पूरे में, एल ही नहीं है। डाइट्स, डी आई ई टी एस नहीं है। डेंसिटी, वही वाली बात, एस नहीं है। तो सिर्फ ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए, बात खत्म, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर आइएगा फटाफट। सर्कमफेरेंस फटाफट बताइए, इससे किसे बनाया जा सकता है। कीजिएगा फटाफट, चलिए बिल्कुल सही बोले हैं आप। ट्राइब्स को बना सकते हैं क्या, तो भैया टी ही नहीं है, और जब तक टी नहीं है तो ये नहीं बनेगा। बार बार, तो बी नहीं है इसमें, तो भैया बार बार भी नहीं बनेगा। स्केयर,
एस है क्या? नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, क्रूम, ये बन जाएगा सी आर यू एम, क्रम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट। अब आपको सही क्रम को चुनना है। चलिए बी, बिल्कुल सही बात, आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आइए ये थोड़ा सा बता देते हैं, आइए समझ में नहीं आता है हम आपको ये बता देते हैं। आइए देखिए, जिनको ये समझ में नहीं आता है उसको हम बता देते हैं शब्दकोश वाले। आप देखिए, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको छोड़कर पहले यहाँ आ जाता हूँ और आपको एक देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग, ब्लैक कलर से वाइट कर लें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला अक्षर दिया गया है डॉग, दूसरा दिया गया है दादा बैट, तीसरा दिया गया है दादा यहाँ पर मान लीजिए फिश, और चौथा दिया गया है दादा कैट। और आपको बोला जाए कि बताइए यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर आपको बोला जाए कि सही क्रम क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला ये कहती है कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं पकड़ना है, आपको इसको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है, और डिक्शनरी का मतलब है पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की तरह व्यवस्थित करना, और पहला अक्षर में ही अगर क्रम व्यवस्थित हो जाए तो पूरा सेंटेंस व्यवस्थित हो गया। यानी कि अगर हम यहां देखेंगे तो सबसे पहले कौन है डी बी एफ सी में से, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बी आता है, बी मतलब पूरा सेंटेंस सिंगल हो गया बी, तो ये पूरा सेंटेंस लग गया बी। अगर मैं कह देता कि बी के बाद कौन, तो आप कहेंगे सी, सी का मतलब नंबर चार, सी के बाद कौन नंबर एक, और उसके बाद नंबर तीन, तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा 24-13। यानी कि सबसे पहले पूरा सेंटेंस कौन लग गया बैट, फिर कौन लग गया कैट, फिर कौन लग गया डॉग, और फिर कौन लग गया फिश। लेकिन अगर हमें पहले पहले अक्षर में नहीं पता चलेगा तो हम भैया दूसरे अक्षर में देख लेंगे, दूसरे में नहीं पता चलेगा हम तीसरे में देख लेंगे, तीसरे में नहीं चलेगा तो चौथे में देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। अब जरा एक सवाल थोड़ा सा कठिन करते हैं, मान लीजिए सवाल ये लिखा हो तो आप क्या करोगे, अब आपके सवाल में ये लिख दिया जाए तो आपका जवाब क्या होगा। मान लीजिए ये लिखा है पहले में इनहैबिट, दूसरे में लिखा गया है आपका इन जीनियस, तीसरे में लिखा गया है इनहेरिट, और चौथे में लिखा गया है भाई साहब आपका इनहेरिट के बाद इन्फ्लुएंस, और पांचवा है आपका आप बताइए इसका सही क्रम क्या होगा, कीजिएगा।
चलिए देखिएगा, चलिए बताइएगा। सभी लोग जो जवाब दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप जरा समझ लीजिए। जो भी कह रहे थे सलोनी जी या जो भी जी हैं वो सभी लोग देख लें, इधर मिशन सलोनी, रोशनी, मोना, सभी इधर देख लीजिए भाई साहब। हाँ, सारी लड़कियों को दिक्कत है, लड़के तो हमारे ठीक ठाक है। आइए देखिए, आपको इसे वर्णमाला के अनुसार हर अक्षर को देखना है, जिसका क्रम मिलेगा उसे पूरा सेंटेंस लगा देना। आइए यहाँ पर हम लगाते हैं, पांच सेंटेंस हैं, कौन सा किस नंबर पर होगा हमें नहीं पता, हमने ये नंबर लिख लिए पांच के, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पहला अक्षर कौन है, आई 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 आई, क्रम तो नहीं पता, सब में क्या लिख लो, आई 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 आई, ठीक है। अब पहले अक्षर से कुछ भी नहीं पता चल रहा तो दूसरा आ जाओ, ठीक है। दूसरा देखोगे तो यहां कौन है, एन 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 एन, तो यहां पर सब जगह क्या लिख दोगे, एन 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 एन। अब आप देखेंगे तो यहां पर एन के बाद कौन मिलेगा, तो आप तीसरे अक्षर पर गए, यहां कौन है, एच जी एच एफ एफ, बदल गए। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, एफ, लेकिन एफ कितनी बार है, दो बार, तो दो बार लिख लो एफ। फिर जी कितनी बार है, एक बार। फिर एच कितनी बार है, दो बार, ये लिख लिया। अब बस आपको ये देखना है इसमें कौन सा अक्षर सिंगल हुआ, तो आपने देखा जी वाला हुआ, एफ वाले दो हैं, एच वाले दो हैं, तो अभी इनके क्रम नहीं तय कर सकते, लेकिन जी का क्रम तय हो जाएगा। जहां सिंगल अक्षर बचा, क्रम फिक्स है। अब जी किस में से चुराया था भैया, दूसरे में से चुराया था, तो दूसरे वाले को पूरा अब आप लिख सकते हो कि यहां दूसरा होगा, तो यहां इसका स्पेलिंग क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका, यानी कि अब हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसका क्रम हमारा लग गया। मैं आपको बिल्कुल टोटली बेसिक से बता रहा हूं, अब इसका क्रम जो है आपका लग चुका है। अब जरा देखिएगा दादा, जी के बाद अगर हम चर्चा करें तो कौन अब बचे हुए, एफ वाले दो और एच वाले दो, तो पहले तो हमें एफ वालों का क्रम देखना पड़ेगा। अब एफ वाले किस किस में है, तो एफ वाला चौथा और पांचवा है, एफ वाला कौन है, चौथा और पांचवा, तो पहले इनके क्रम को लगा लें कि पहले चौथा होगा या पहले पांचवा होगा, या दूसरे पे चौथा होगा या दूसरे पे पांचवा होगा। तो हमने यहाँ देखा इसके बाद कौन है, एल, और यहाँ कौन है, ए, तो हम जानते हैं वर्णमाला में ए पहले आता है, एल बाद में, तो यहाँ कौन आ गया, ए, और यहाँ कौन आ गया, एल। अब हम इसका क्रम लगा सकते हैं क्योंकि ये सिंगल हो गए। अब जब सिंगल हो गया तो क्रम क्या लगेगा, ये ए वाला कौन सा है, पांचवा, तो यहां कौन आ गया, पांचवा। इसका जो है आप पूरा स्पेलिंग लिख देंगे। अब आप देखेंगे दूसरा, एल वाला कौन है, चौथा, तो भैया यहां चौथा का नंबर आ गया और आप पूरा का पूरा इस पे यहां पर लिख देंगे। अब लड़ाई बची हुई है एच और एच की, तो एच और एच में आगे चलेंगे, भैया इससे पता नहीं चल रहा, आगे चलो, तो यहां कौन है, ए, यहां कौन है, ई, तो ए वाला पहले आएगा और ई वाला बाद में, तो ए वाला कौन है, पहला, तो पहले वाले को यहां लिखो भैया, पहले। फिर ई वाला कौन सा है, दूसरा, तो दूसरे वाले को यहां लिख दो, इन,
कहा गया इनहेरिट, ये आ गया। तो आपका सही क्रम क्या होगा, पांच चार दो, पांच चार ये दो था क्या, तो ये तीसरा है, सॉरी पांच चार दो एक तीन, तो ये आपका उत्तर हो गया, बात खत्म। क्लियर है? चलिए सभी लोग क्लियर हैं, थोड़ा लाइक वाइक कर दें, शेयर वेयर करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल एक और करके दिखाएंगे। बिल्कुल आपका सही था वर्षा धाकड़ जी, मिशन यूपीएसआई पढ़ लो। आरती कुमावत दादा तीन आएगा, बिल्कुल तीन लिख दिया। सर जी हम सही हैं, बिल्कुल। रोशनी गहलोत जी आप सही थे, मोहन निंगवाल जी सही हैं, संजय ब्रो राइट, ओके अंकित चौबे, लाइक करो सब। अब हुआ बात खत्म दादा, मेरा सही था फिर गलत क्यों बोला दादा, मैंने कहाँ बोला सलोनी सैनी जी, मैंने तो ये बोला। सब लोग इधर देख लीजिए, जिनको जो भी दिक्कत है सर एक बार और। सर राजकुमार रावत जी अगले सवाल पर बात करेंगे, क्रोधा उत्तर है, ठीक है बादा, आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला शब्द फिर से है, कोशिश करना आप लोग कर पाए, ठीक है। अगले का उत्तर क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पर। पहले में लिखा हुआ है ग्रेट, दूसरे में लिखा हुआ है गोवा, तीसरे में है, ठीक है तो आप बता सकते हैं गोमती, और चौथे में है आपका ग्रेट, ग्रेट तो हो गया सॉरी, तो हो जाएगा चौथा हो गया आपका ग्रेप्स, और पांचवा शब्द लिखा हुआ है आपका, तो आप कहेंगे गियर्स। आपको इसे क्रम से लगाना, आप मेरा नाम नहीं लेते हो जी, बिल्कुल भाई साहब, इंसान जो है भगवान के नाम से तरता है दादा, आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आपका नाम लूं, कैसे लोग हो, आपको तो बोलना चाहिए सर आप तो सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, हमारे नाम से थोड़ी तरेंगे। चलिए सभी लोग जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, 5 2 3 4 1 बिल्कुल एकदम सही है हम। नेक्स्ट की बात करें उसके पहले एकदम सही जवाब आप लोग देते जा रहे हैं, एकदम मस्त जवाब जी, एकदम मस्त जवाब आता जा रहा है, 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1। चलिए गजब, 5 2। आइए देख लेते हैं, अब यहां देखिए पहला अक्षर कौन है जी, तो सब में क्या लिख लोगे जी 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 जी, और यहां उनका क्रम लिख देंगे हम, जो भी क्रम होगा हम देख लेंगे। पहले अक्षर से कुछ पता नहीं चला, दूसरे पे आए आर ओ ओ आर ई, तो सबसे पहले हम किसे देखेंगे ई को, ई सिंगल है क्या, हाँ भैया सिंगल लिख दो, ई के से बड़ा कौन है ओ, ओ दो बार है दो बार लिख दो, आर दो बार है फिर दो बार लिख दो। अब ई सिंगल हो गया, ई काय में था फिफ्थ में, तो फिफ्थ वाले का क्रम फिक्स कर दो, यहां कौन आ गया आपका गियर्स। अब आ जाओ इधर ओ वाले, ओ वाले ये दोनों है इनको फिक्स करते हैं, तो इसमें ए है इसमें एम, ए वाला पहले आएगा एम वाला बाद में, ए वाला पहले एम वाला बाद में,
ए बोले तो कौन आ गया टू, ये खत्म हो गया, और ये कौन हो गया भैया थ्री, तो यानी कि ये कौन है गोमती। अब आ जाओ फोर और फाइव की लड़ाई, तो यहाँ पर लड़ाई बची हुई हमारी फर्स्ट और फोर्थ की, तो यहाँ पर आर आर से कुछ पता नहीं चला, ये ए है ये ई, तो ए पहले आएगा ई बाद में आएगा। ए बोले तो नंबर चार यानी कि ग्रेप्स, ई बोले तो नंबर एक यानी कि ग्रेट, यानी फाइव टू थ्री फोर वन इज द राइट आंसर, फाइव टू थ्री फोर वन। चलिए तो क्या हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरीके से हम सवालों का जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे तो क्या मैं इनमें आकर मुक्के मारूं क्या, अब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, मैं इनका कुछ कर थोड़ी सकता हूं। एच ए एल ई हैग नंबर टू, एच ए के ई हैग नंबर थ्री, एच ए एल टी हॉल्ट नंबर चार, हैमलेट, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे हम। अब तो सब एकदम क्लियर है तो फटाफट उत्तर मार दीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतना मार दीजिए। चलिए बेहतरीन जवाब, सभी का बेहतरीन जवाब। चलिए गजब, यही स्पीड होनी चाहिए। एच एस से कुछ पता नहीं चला, ए ए ए से कुछ पता नहीं चला, यहां कौन आएगा के एल एल एम और एम। अब देखिए दादा पहले के होता है, के का मतलब कौन आ गया ऑप्शन टू, बिल्कुल करेक्ट। अब ये वाला काम खत्म, बार बार हम ऐसे थोड़ी लिखते रहेंगे। अब एल वाले कितने हैं दो, तो इनको देखो यहाँ ई है या टी है, तो फिर आएगा फर्स्ट और फिर आएगा थर्ड, बात खत्म। अब ये एम वाले दो हैं, इससे नहीं पता चला, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा, तो ये पांच पहले आएगा और चार बाद में, 213 54, बात खत्म। क्लियर है, ओके, कर पाएगी सेना जी। अगला सवाल, बात खत्म, नेक्स्ट। अब जरा आइएगा उन सवालों पर जहां पर आप थे, ये तो अब इसका जवाब दीजिए आप। बी है, बिल्कुल सही है। आप देखिए पहला अक्षर कौन है, एम एम एम, हरा कलर दिख रहा है, नहीं तो ब्लैक ले ले। चलिए एम 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 से कुछ पता नहीं चल रहा, फिर कौन है यहाँ आई आई वाई वाई यू, तो आई वाले पहले आएंगे, मतलब ये दोनों पहले होंगे, तो इनको देख लेते हैं। यू वाला कहाँ होगा, बीच में, तो यानी कि सेंटर में कौन हो गया चार,
इनमें देखें आई आई से कुछ नहीं चला, आर आर से कुछ नहीं चला, फिर ए है और आर है, यानी नंबर टू पहले आएगा और नंबर वन बाद में, तो ये दोनों का क्रम खत्म, इसका खत्म चार। अब ये दोनों बचे वाई वाई, तो वाई वाई से चले यहाँ कौन मिला एस एस, अब यहाँ कौन है ई और यहाँ कौन है टी, ई वाला पहले होगा टी वाला बाद में, ये तीसरा और ये क्या हो गया पांचवा, बात खत्म। तो ये हमारा सही क्रम क्या होगा 21435, यानी कि ऑप्शन बी, इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, यहां पर कीजिएगा फटाफट। डी है, चलिए बिल्कुल सही है, डी फॉर, देख लीजिए। एफ एफ से कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं। उसके बाद हमने देखा दूसरा यू, यहां भी यू, इससे भी पता नहीं चला, फिर तीसरा एन एन और यहाँ कौन है आर, यहाँ एन यहाँ एन, तो आर वाला लास्ट में चला गया, इसको हटा दो, सबसे लास्ट में कौन है पांचवा, बात खत्म। अब आ जाओ एन एन के बाद आगे चलें, तो एन एन तीसरे अक्षर के बाद चौथे पे चलते, यहाँ कौन के डी जी एन, अब सारे अलग हो गए, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है डी, डी बोले तो तीसरा, फिर आप देखिए डी से बड़ा कौन है के बोले तो पहला, ठीक है, हाँ जी के पहले आएगा ना, जे के नहीं जी आएगा पहले, एक मिनट दादा, के नहीं आएगा यहाँ पर, कौन आएगा डी के बाद, जी आएगा, जी बोले तो नंबर टू, ये खत्म। डी के जी के बाद कौन आएगा के नंबर वन, के बाद कौन आएगा चार, ये आ गया 32145 ऑप्शन डी, एकदम सही जवाब, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल फटाफट से राइट कीजिएगा, अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। कीजिएगा, आपको पूछा जाएगा इसमें कितने अक्षर युग्म हैं, इसमें कितने अक्षर युग्म हैं, लगभग यहां बताइए अक्षर युग्म फटाफट से जो है लाइक कर दें दादा, शेयर करा करें, लाइक किया करें, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट।
चलिए सभी लोग कह रहे हैं दो। आइए देख लेते हैं कैसे निकाले जाते हैं युग्म। युग्म का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हमें जिस क्रम पर नजर आ जाए वो हमारा जोड़ा माना जाएगा, और नहीं आया तो जोड़ा नहीं माना जाएगा। आइए अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ कौन है, ए। ए के आगे चले ए बी सी डी ई। देखो ये वही मिल गया जहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो पहला जोड़ा क्या बना, ए और ई। तो ए बी सी डी ई एफ नहीं, एन ओ पी क्यू आर। दूसरा कौन बन रहा है भैया, एन और आर। दूसरा ये बन गया एन आर, ठीक है। अब एच टी यू बी डब्ल्यू एक्स बाई ई एफ, उल्टा भी चलना पड़ेगा, आर एच टी यू वी डब्ल्यू ई एफ जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई जेड एच टी एन ओ। तो कितने बने, मात्र दो, तो आपको लगाना पड़ेगा दो। बस इतना सा काम करना है। क्या इतना सा काम मेरी सेना कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। चलिए नेक्स्ट फटाफट से इसमें बताइए कितने अक्षर युग्म में, नेटवर्क जल्दी कीजिएगा, नेटवर्क में कितने अक्षर युग्म में। ए बता रहे हैं कि सर ए है, थोड़ा लाइक भी कर दें। ए बताने वालों से अनुरोध है, लाइक वाइक का भी प्रोग्राम होता है, इसे भी करें। नेटवर्क आई एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं, ई एफ जी एच आई जे नहीं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, ओ पी क्यू आर एस नहीं, इधर से देखो के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं, ओ पी क्यू आर एस नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई टी यू वी ई एफ कोई नहीं। ऑप्शन लगाना पड़ेगा भैया, कोई नहीं, कोई नहीं, बात खत्म। अब बी वाले फंस गए और सी वाले को भैया कहाँ दो दिख रहे हैं, या तो एक नहीं मिल रहा और तुम दो दो लगा रहे हो। अरे मेरी आत्माओं, यहाँ पर हमें एक नहीं मिल रहा और तुम दो दो बता रहे हो। अब बता तो दिया श्रेजा, क्या है श्रेजल सिंह राठौर जी, गिनके तो दिखाया, हर अक्षर से ए बी सी डी पढ़ते जाओ, जो जिसके क्रम पे मिलेगा वो माना जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं माना जाएगा। सिंपल सा काम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज और आप घर पर सवाल देख लीजिए, लगा लीजिए, कल मेरे साथ फिर से जुड़ जाइए और कल अंग्रेजी वर्णमाला को हम पूरा फिर से तोड़ेंगे कुछ बेहतरीन और सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।